मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र के विरोधी नेताओं को खुले मन से चिताया है कि सिराज पूरी तरह से एकजुट है और यहाँ के लोगों को तोड़ने की कोशिश बेकार साबित होने वाली है। आज अपने गृह क्षेत्र सिराज के तहत आने वाले बाली चौकी में सीएम जयराम ठाकुर ने विरोधियों पर जमकर जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि सिराज के कुछ नेता अपनी कुंठा निकालने के लिए सार्वजनिक मंचों से अनाप शनाप बयानबाजी कर रही हैं और सिराज के विकास कार्यों पर सवाल उठा रही हैं। यह नेता सिराज की एकजुटता को भंग करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें वे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सिराज का विधायक होने के नाते यहाँ के विकास कार्यों का जिम्मा उन पर है और वे मुख्यमंत्री के नाते इस तरफ विशेष ध्यान दे रही हैं। इससे पहले उन्होंने बाली चौकी में 1,10,00,000 की लागत से बने लोक निर्माण विभाग के उपमंडल कार्यालय भवन और 1,15,00,000 की लागत से बने सीएचसी भवन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि बाली चौकी में बस स्टैंड निर्माण के लिए बनने वाले पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है और पुल के बनते ही बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बाली चौकी में 7,00,00,000 की लागत से मिनी सचिवालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने यहां पर जारी विकास कार्यों का व्यक्तिगत रूप से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके बाद उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की। निजी स्वार्थों के कारण, अपनी कुंठा के कारण कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो बर्दाश्त की कारण। पूरा सराज एक है, मजबूत सराज होना चाहिए और सराज विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग हमारे विधानसभा के अंदर बोलने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक मंचों पर बोलने की कोशिश करते हैं कि सराज में हो रहा है। सराज का मैं विधायक और सराज के लोगों ने अगर विधायक नहीं बनाया होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। इसलिए यहां पर काम करना, यहां पर विकास करना ये मेरा दायित्व है। एक विधायक होने के नाते मेरा मूल दायित्व तो यह है कि सिराज विधानसभा क्षेत्र का भी विकास। 7,00,00,000 की लागत से आपका भवन बनकर के आने वाले समय में मई के महीने में हमने कहा कि हर हालत में बनकर के लिए तैयार होकर के इसका उद्घाटन करेंगे। सीएससी का भवन यहां पर बनकर के तैयार हो रहा है, पीएससी से सीएससी का दर्जा हमने इसको दिया और सीएससी का भवन बनकर के यहां पर आने वाले समय में हम जल्दी हम कोशिश करेंगे दिसंबर जनवरी के महीने तक ये भी बनकर के तैयार हो जाएगा। जहां शहरी कल्चर का प्रोजेक्ट यहां पर लाया उसमें काम चल रहा है। सड़कों के निर्माण के लिए मैं कह सकता हूं कि बाली चौकी तहसील के जो पुराना एक दौर था जब हम इस सब तहसील के रूप में इसको जानते थे, आज ये तहसील का दर्जा है और इसके अंतर्गत जो सड़कें थी बहुत कम सड़कें थी। आज उस दौर को आप देखिए कि सड़कें गांव गांव को पहुंच गई है। हम इस बात से सहमत है कि बहुत जगह अभी तक भी कमियां हैं, अभी तक भी काम करने की जरूरत है, जितना संभव हो सकता है वो करने की हम कोशिश करें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।